हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास नाइन्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 में ही प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। इसके पहले हम लोगों ने उदाहरण 2 और प्रश्नावली का भी प्रश्न क्रमांक 2 किया हुआ है, जो इसी प्रकार से है। तो आइए देखते हैं कैसे बीच की 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम 3/5 और 4/5 के बीच की एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो जिन दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी होती है, तो वहाँ पे हम उन दोनों संख्याओं को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। मेथड वही रहेगी। आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट लगाइए। ये देखिए ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद इसके बाहर 1/2 आपको लिखना ही है, और जिन दोनों संख्याओं के बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है उनका जोड़ना करना है। जैसे 3/5 और 4/5 के बीच की निकालनी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3/5 प्लस 4/5, इन दोनों का जोड़ना यहाँ पे कर देना है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेना है, तो बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। बराबर के नीचे बराबर 1/2 ज्यों का त्यों, 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो 5 ही आएगा। अब ये समान संख्या होती है, तो मैंने आपको बताया था ऊपर का ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यानी कि 3 प्लस 4। ये इसलिए है क्योंकि 5 और 5 का एलसीएम आएगा 5, तो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, और जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में, यानी कि 1 * 3। इसलिए 5 का 5 में जाएगा, तो फिर एक बार जाएगा, एक जितने बार भाग जाता है उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं, जैसे 1 * 4। आगे बढ़ते हैं। बराबर के नीचे बराबर लगाया 1/2 ज्यों का त्यों, 4 और 3 हो जाएंगे 7, तो यहाँ पे हमने लिखा 7/5, ये ज्यों के त्यों 5। आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा होगा, तो 7 * 1 = 7 और 5 * 2 = 10। ये देखिए, तो 7/10 जो है ये 3/5 और 4/5 की बीच की परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे श्रेणी बना देना है कि 3/5 और 4/5 के बीच की एक संख्या है 7/10, तो यहाँ पे हमने लिखा 7/10, और ये साइन बना देना है। इसका मतलब ये है कि 3/5 से बड़ा है 7/10, लेकिन 7/10 से बड़ा है 4/5। अब हमें एक परिमेय संख्या मिली है, लेकिन इस तरीके से हमें 5 निकालना है। तो अब इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो हेडिंग डलेगी 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। फिर इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/2 रहता ही है, और फिर लगाया ब्रैकेट, और ब्रैकेट में इन दोनों का जोड़ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7/10 प्लस 4/5, ये लिख दिया। फिर बराबर के नीचे बराबर 1/2 ज्यों का त्यों, 10 और 5 का एलसीएम यहाँ पे हम निकालेंगे, तो कितना आएगा देख लेते हैं, 10 ही आएगा। तो 10 का भाग 10 में जाएगा कितने बार, एक बार। कितने बार गया, एक बार। एक का गुणा किस में करोगे, 7 में, तो 7 * 7 प्लस 5 का एलसीएम 10 में कितने, 5 का भाग 10 में कितने बार जाएगा, तो आंसर है 2 बार जाएगा। कितने बार गया, 2 बार, लेकिन 2 का गुणा कहाँ करना है, इस ऊपर वाली संख्या में, यानी 2 * 4 = 8। इसके बाद नीचे आते हैं, 1/2 ज्यों का त्यों गुणा 8 और 7 हो जाएंगे 15, और नीचे 10, तो यहाँ पे 15 * 1 = 15 और 10 * 2 = 20। तो ये परिमेय संख्या आएगी। तो वही हमें फिर से लिखना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, 3/5, 7/10 और 4/5, लेकिन इन दोनों के बीच में जो नई संख्या हमें मिली है परिमेय संख्या 15/20, इसको लिख देना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, 3/5 बड़ा है 7/10, फिर इसके बाद आएगा 15/20 ये वाला, और फिर इसके बाद आ जाएगा 4/5। तो ये देखिए 3/5 और 4/5 में 2 परिमेय संख्या हमें मिल चुकी हैं।
अब हम इन दोनों के बीच में एक और निकाल सकते हैं, या फिर आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, मेथड सेम ही रहेगी इस तरीके से। तो चलिए हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं, तो 15/20 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, हमने लिखा 15/20 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, और 1/2 बाहर लिखना है। अब इस ब्रैकेट में हमें उन दोनों संख्याओं का एडिशन करना है, यानी 15/20 प्लस 4/5 बराबर के नीचे बराबर, 1/2 ज्यों का त्यों, और 20 और 5 का एलसीएम 20 ही आएगा। तो 20 का भाग 20 में गया तो एक बार जाएगा, एक का गुणा 15 में करेंगे तो 15 प्लस 5 चौके 20 कितने बार गया, 4 बार, 5 चौके 20 यानी 4 बार गया। 4 का गुणा इसी के ऊपर वाली संख्या यानी 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, यहाँ पे 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं तो 15 और 16 जुड़ जाएंगे, तो 1/2 ज्यों का त्यों, 15 और 16 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 31 और 20, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 31 एकम 31 और 20 दूनी 40, तो ये आया 31/40। तो हम इसी श्रेणी में लिखेंगे जो हमारी श्रेणी थी 3/5 और 4/5, इनके बीच में हमें मिला था सबसे पहले 7/10, यही मिला था ना, लेकिन 7/10 और 4/5 के बीच में हमें मिला था 15/20, लेकिन अब 15/20 और 4/5 के बीच में हमें मिला है 31/40, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 31/40, ये साइन बना देना है इस तरीके से। तो ये समझाने से थोड़ा दूर दूर लिख गया है, लेकिन ये आप सीरियल से ही लिखेंगे पास पास इस तरीके से, ये भी साइड में आ जाएगा। अब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या मिल चुकी हैं। अब हम चौथी परिमेय संख्या 3/5 और 7/10 के बीच से निकाल सकते हैं, तो हेडिंग डालेंगे 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ पे बराबर का साइन, 1/2 रहता ही है, और यहाँ पे देखिए 3/5 और 7/10 हमने दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पे 3/5 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद 7/10 लिख देना है, ये देखिए इस तरीके से। अब आगे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे होता है, बराबर के नीचे बराबर 1/2, और 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 और 5 का एलसीएम आएगा 10, क्योंकि इसमें इसका भी भाग चला जाएगा। 5 दूनी 10 कितने बार गया, 2 बार, 2 का गुणा किस में करना है, 3 में, तो 2 तिया 6 प्लस 10 एकम 10 कितने बार गया, 1 बार, 1 का गुणा किस में करोगे, 7 में। तो आगे बढ़ते हैं, 1/2 कोष्ठक हटा देते हैं तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 6 7 13/10, ये देखिए ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, 13 एकम 13 और नीचे 10 दूनी 20, तो ये आ गया 13/20। तो इसी में हम इन दोनों के बीच में जो आया है 13/20 उसको और लिख देंगे, वो पूरा ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो 3/5, फिर इसके बाद लिख देंगे 13/20, इसके बाद लिखेंगे 7/10, इसके बाद 15/20, आप देख सकते हैं 31/40 और फिर 4/5, ये देखिए मैंने यहाँ से पूरा बाकी लिख दिया है, ये देखिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 1, 2, 3, 4 परिमेय संख्या मिल चुकी हैं, हमें एक और ज्ञात करना है, तो इन्हीं को ले लेते हैं 3/5 और 13/20 को, तो यहाँ पे हेडिंग डल जाएगी 3/5 और 13/20 के बीच की परिमेय संख्या, और इसके लिए मैं वही करता हूँ 1/2 और ब्रैकेट में दोनों का एडिशन, तो ये भी आपको इसी तरीके से कर देना है। तो देख लेते हैं 1/2 इनका एलसीएम कितना आएगा बताइए आप, 20 और 5 का 20 आएगा, बड़ी संख्या है, तो 5 चौके 20 कितने बार गया, 4 बार, 4 का गुणा किस में करोगे, 3 में, 4 तिया 12 प्लस 20 एकम 20 कितने बार गया, 1 बार, 1 का गुणा किस में करोगे, 13 में, ये देखिए। आगे बढ़ते हैं तो 1/2 और 13 और 12 कितने हो जाएंगे, तो इनको जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, 1 और 1 2 और नीचे 20, तो इनको सॉल्व और कर देंगे, तो 1/2 गुणित कोष्ठक हटा दिया तो गुणा का चिन्ह आएगा, 25/20 यानी कि
25 एकम 25 और यहाँ पे 20 दूनी 40, तो 25 बटे 40 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे और बना लेते हैं जो श्रेणी बनना है, तो इसी को इनके बीच में और हम ये वाला बस लिख देंगे 25/40, बाकी पूरा ज्यों का त्यों। तो चलिए लिखते हैं, तो 3/5 ये वाला साइन बनना ही है, इसके बाद 25/40 क्योंकि इनके बीच की है, 3/5 और 13/20 की, अब 13/20 आ जाएगा। इसके बाद 7/10, इसके बाद 15/20, इसके बाद 31/40, इसके बाद 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में ये पांच परिमेय संख्या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप पे ये बन जाएगा। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। थैंक यू।